दिखा रहे थे कि किस तरीके से सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, जहां पर गैंगरेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता को की गिरफ्तारी के बाद अब लोग समाजवादी पार्टी के नेता से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेता की इसी गुनाह से अनजान बनी हुई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अयोध्या की जिस पवित्र भूमि की मर्यादा कायम रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सब कुछ ताक पर रख दिया, अयोध्या की उस पवित्र भूमि को सपा नेता मोहित खान ने अपवित्र करने का दुस्साहस किया है। धर्म नगरी अयोध्या को पवित्र करने वाला समाजवादी नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है। उसने जो किया उसकी कोई माफी भी उसे नहीं मिलने वाली। लेकिन हैरानी यह है कि धर्म नगरी में हुए जिस महापाप की चर्चा ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, उस आरोपी को छत्र छाया देने वाली पार्टी के नेताओं के मुंह से माफी के एक शब्द भी नहीं निकल रहे। उस पर हैरानी ये कि अयोध्या के जिस सांसद महोदय के क्षेत्र में ये महापाप हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे उनके नेता ने क्या गुण खिलाया है। जब तक हम कोई जानकारी न लें तब कैसे हम कोई बात कह सकते। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो ईच एंड एवरी थिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। जिस पार्टी के नेता पर इतने संगीन आरोप लगे हों और जिसने पार्टी के नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसके गुनाह पर मासूमियत का पर्दा डालने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। प्रदेश के कोने कोने तक सपा नेता मोहित खान के करतूत की खबर फैल गई, लेकिन सपाई ब्रिगेड के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं का इस गुनाह पर यही रुक रहा। सभी मोहित खान के पाप से अनजान बने हैं। अयोध्या में हमारे सांसद है, मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किसकी है, चल किसकी रही है, जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं, बहुत एलाबरेट नहीं बोल पाऊंगा। जरूरी कहूंगा इस तरह की अगर घटना हुई तो काफी पीड़ादायक है और चाहे कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं गुनहगार का भागीदार ही सिर्फ अपराधी नहीं होता, उसके गुनाह के खिलाफ आवाज नहीं उठाने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन यहाँ तो सपा की पूरी जमात का ही यही हाल है। लेकिन आई एम नॉट अवेयर कहकर भले ही अयोध्या सांसद और सपा के बाकी नेता मोहित खान के कुकर्मों से पल्ला झाड़ लें, लेकिन धर्म नगरी में अंजाम दिए गए इस अधर्म के खिलाफ सन्यासी से अभिधान मिलना संभव नहीं है। लिहाजा जैसे ही सपा नेता मोहित खान के कुकर्मों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई और मोहित खान को जेल भेज दिया। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। वही इत्तेफाक देखिए कि सीएम योगी ने इस वारदात के खुलासे से चंद घंटे पहले ही विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा और अपराधियों का गहरा नाता है, और सीएम के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सपा नेता ने हैवानियत करके उनके बयान को सच साबित कर दिया। पहला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन में ये कटाक्ष सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी का जिक्र करते हुए किया था, जो कानपुर में दंगा भड़काने का आरोपी है। लेकिन भदरसा कस्बे का सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान तो दो कदम और आगे ही निकल गया। खैर, इस घटना को लेकर अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सपा नेता मोहित खान ने नाबालिग के साथ ये गुनाह नौकरी देने के नाम पर किया है, जिसमें उसके गुनाह का भागीदार बेकरी का और भी स्टाफ है। लेकिन इस मामले की जांच में अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसमें यूपी पुलिस भी कम गुनाहगार नहीं दिख रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले में सपा नेता के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए FIR नहीं लिखी गई क्योंकि पिछले 12 सालों से उसके घर में ही भदरसा पुलिस चौकी चल रही थी।
राजू इसी जगह पर, तमाम इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोहिन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता इस भदरसा जो जगह है इसके भी अध्यक्ष हैं, जो मुख्य इसमें आरोपी के तौर पर मोहिन रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर बेकरी थी। आपको बता दें कि ये मामला शायद खुल भी ना पाता क्योंकि भदरसा चौकी के पुलिस कर्मियों ने तो नाबालिग की मां की आवाज को अनसुना कर ही दिया था, लेकिन जैसे तैसे पीड़ित परिवार पूरा कलंदर थाने पहुंचा, जहां के एसएचओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। जिसके बाद जैसे ही इस अन्याय की भनक अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों को हुई, निषाद पार्टी और हिंदू संगठन के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। फिर आगे जो हुआ उसका देश साक्षी है। ये जो दुराचार कर रहे हैं ये देश हित, समाज हित, परिवार हित में नहीं है। ऐसे लोगों को मेरी सरकार कठोर से कठोर सजा दिलाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ऐसी घटनाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं और आपने देखा था कि इस बार विधानसभा के सत्र में भी इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, संशोधन लाया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कारावास और सजा मिले, इसलिए इस पर विधेयक में आपने देखा था कि संशोधन भी आया है, होने जा रहा है। बच्चों के साथ जो दुराचार का कांड है उसमें ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बहरहाल नाबालिग की जिंदगी में गुनाह का जहर घोलने वाला आरोपी सपानेता मोहित खान जेल में है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जाहिर है उसके गुनाह को देखते हुए उसका अंजाम बुरा होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि हमेशा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उद्धार की बड़ी बड़ी टींगे हांकने वाले सपानेता आए दिन ऐसे घिनौने अपराध में क्यों फंसे नजर आते हैं? क्या इस घिनौने घृणित बर्बर अपराध की कोई सफाई उनके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जहां जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कार्रवाई हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, लेकिन बेशर्मी के बोल समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सामने आते हैं क्योंकि सांसद कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी लेने दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या क्या जिम्मेदारी लेगी अब समाजवादी पार्टी? देखिए, भदरसा का नगर का अध्यक्ष है ये व्यक्ति जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है और प्रभाव इस हद तक है उस हिस्से में कि जब हम कल भदरसा गए तो कई उद्योग धंधे व्यवसाय तमाम जो जगहें थी उसी से प्रभावित है, उसी की हैं और प्रेशर दिख रहा था। एक परिजन थे उस लड़की के जो बता रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, जान से मारने की धमकी है क्योंकि वो उस बच्ची की माँ को लेकर बार बार अस्पताल जा रहे हैं आ रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार थे। तो प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस हिस्से पे और निश्चित ही जवाबदेही तो समाजवादी पार्टी की इस पूरे मामले में बनती है क्योंकि ये सीधे सीधे सबसे टॉप प्रोफाइल उस हिस्से की भदरसे की जो समाजवादी पार्टी की हायरार्की है उसमें टॉप प्रोफाइल का आदमी है। जो सांसद है वो ये कह के अभी इससे कान करते नजर आए वो कि इस मामले का उनको जानकारी नहीं है, जबकि दो दिनों से पिछले अयोध्या के हर अखबार में, अयोध्या के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस खबर के बारे में चर्चा है, इस विषय पर चर्चा हो रही है। उस लड़की के संग जो अन्याय हुआ, 14 साल की लड़की, उस लड़की के संग जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वीडियो बना के धमका के